दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AKTU के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम का पैटर्न अब MCQ हो गया है, तो हम आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? ए विंड, बी टाइड्स, सी जियोथर्मल हीट और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें नेचरों में अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जनरेट ऑल देयर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी? ए आइसलैंड, बी इंग्लैंड, सी USA, डी चाइना। इसका आंसर है ए आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी ऑफन डिस्प्लेस कन्वेंशनल फ्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? ए स्पेस हीटिंग, बी ट्रांसपोर्टेशन, सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन? ए इथेनॉल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी है ऑल ऑफ द अबव। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूल, वो है इथेनॉल। इसका जवाब है ए। फिफ्थ है, बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल्स और फैट्स यूजिंग फर्मेंटेशन, ट्रांसट्रिफिकेशन या डिस्टिलेशन या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी ट्रांसफिकेशन। सिक्स्थ है, फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू ए हीट एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी मैकेनिकल एनर्जी, डी केमिकल एनर्जी। इसका आंसर है बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, इन सेवन्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विंड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्स्टेंट? ए डेजर्ट, बी ऑफशोर, सी लो एल्टीट्यूड साइट या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी ऑफशोर। नेक्स्ट है, फॉलोइंग कंट्री मीट मोर देन 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्रॉम विंड एनर्जी। मतलब कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी के थ्रू बनाती है? ए है डेनमार्क, बी है पुर्तगाल, सी है आयरलैंड, डी है स्पेन। इसका आंसर है ए डेनमार्क। नेक्स्ट है, नाइन्थ है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम यूज डैश टू फोकस अ लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू अ स्मॉल बीम। ए है लेंसेज, बी है मिरर, सी है ट्रैकिंग सिस्टम, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, टेंथ है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द कोर ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स सरफेस इज नन एज? ए जियोथर्मल कोफिशेंट, बी जियोथर्मल ग्रेडियंट, सी जियोथर्मल कांस्टेंट और डी है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी जियोथर्मल ग्रेडियंट। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं।